Today we are going to start total differential coefficient. Total differential coefficient, very important topic. और इससे जब भी question आता है तो एक long का ही question आता है, long question ही आएगा. तो समझते हैं total differential coefficient. जो biggest problem इस topic का है वो है formula formation का. हम formula नहीं बना पाते हैं. तो उसको फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है. तो बेसिकली हम लोगों ने तीन तरह के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. एक तो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं शायद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जहाँ पर हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. इस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जहाँ पर हम करते हैं बाल डेल बाई डेल एक्स, इसकी बात करते हैं. और तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अगर हम इसके बारे में देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली एफ एफ टू का ही कॉम्बिनेशन होने वाला है. इन दोनों से मिलकर के ही टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका बनने वाला है. आइए टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग नहीं जा रहे हैं. हम लोग टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पर बात कर लेते हैं. छोटा सा नोट लिख लेते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है क्या एक्चुअली में. अगर हम माने इफ यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ आर, देन डी यू बाई डी आर इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अब डी यू बाई डी आर क्या कहलाता है? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अब इसको निकालने के लिए हम क्या मतलब मैंने जो बोला उसको हम थ्रू अ ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, थ्रू अ ग्राफ, ताकि ज़्यादा बेटर पिक्चर मिलेगा. ये फार्मूला हम कैसे डी यू बाई डी आर कैसे निकालेंगे इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे. तो देखिए यू जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई खुद में फंक्शन है आर के. बेटा एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर कहीं पर मल्टीपल वेज हैं तो आपको हमेशा पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाना है, और अगर सिंगल वे है तो आपको लगाना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा. ये मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. एज आई टोल्ड यू ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी वी हैव टू डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू आर. देयर आर वेरियस मेथड, वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो, पर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. अब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो डी यू बाई डी आर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा डी यू बाई डी आर में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यू से सबसे पहला आर पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं. तो यू से एक्स से भी रास्ता है और वाई से भी रास्ता है. तो यहाँ पर मल्टीपल वेज हो गए. जब मल्टीपल वेज हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, नहीं सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाएंगे. यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम u से पहले पहुँचेंगे x पर. हम पहले कहाँ पहुँचे, u से पहुँचे x पर, फिर हम क्या करें x से हम पहुँचेंगे, अब हम x से पहुँचेंगे कहाँ पर, r पर, प्लस u से पहुँचे हम कहाँ पर पहले, अभी तो एक रास्ता और है उसके भी छोड़ लेते हैं. यू से पहुँचेंगे हम पहले वाई पर, फिर वाई से पहुँचेंगे हम यहाँ पर आर पर. आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. ध्यान से देखिए, जब मैं यू से एक्स पर गया तो यहाँ पर दो रास्ते थे एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पर लगाया है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. और जब मेरे पास एक सिंगल रास्ता ही था तो मैंने लगाया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और ये मेरे पास फार्मूला आ गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. और फार्मूले बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर नोट में लिखते हैं, नोट पहला लिखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं यू जो है वो फंक्शन है एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी, और तीनों फंक्शंस हैं टी के. तो बेटा क्या फार्मूला बनेगा, जल्दी से बना लीजिएगा. आप वीडियो पॉज करिएगा और जल्दी से फार्मूला बनाइएगा इसके लिए,
आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए मैच करने का टाइम आ गया। डी यू बाय हमें क्या चाहिए, डी टी चाहिए, यही टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले हम पहुँचेंगे डी यू से, कहाँ पर पहुँचेंगे, एक्स पर पहुँचेंगे, फिर एक्स से हम वहाँ पर पहुँचेंगे टी पर पहुँचेंगे, फिर डी यू से वाई पर पहुँचेंगे, फिर वाई से कहाँ पर पहुँचेंगे हम टी पर पहुँचेंगे, फिर डी यू से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, और डी यू से हम पहुँचेंगे जेड पर, और जेड से हम कहाँ पर पहुँचेंगे टी पर पहुँचेंगे। आई होप क्लियर होगा होगा आपको। अब एक और नोट टू करके एक और फार्मूला फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, एक और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो फार्मूला होगा ये बेसिकली अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मान लेते हैं एक और सिनेरियो आपके सामने आ सकता है, यू जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, लेकिन एक्स वाई खुद में जो फंक्शन है वो टी वन और टी टू के हैं। एक्स वाई जो फंक्शन है वो टी वन और टी टू के हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होंगे बेटा वो मल्टीपल होंगे। यहाँ पर चेन रूल लगेगा, अभी मैं बहुत डिटेलिंग पे नहीं जा रहा और बहुत टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके दो होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स से हम टी वन पे भी जा सकते हैं, टी टू पे भी जा सकते हैं, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा वो तो होगा एक आपका बेटा डेवर यू अपॉन डेवर टी वन, डेवर यू अपॉन डेवर टी टू। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने डेवर डेवर क्यों लगा दिया, डेवर क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर डेवर डेवर इसलिए लगाया गया है। बेटा अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो एक्स और वाई हैं, ये जो एक्स और वाई हैं, ये दोनों फंक्शन हैं टी वन और टी टू के, टी वन और टी टू के। तो कई बार आपको ये ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ पर टी वन और टी टू के और ये मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फार्मूला फॉर्मुलेट करते हैं, एक्स से टी वन पर पहुँचने के कितने रास्ते हैं, दो रास्ते बेटा। एक्स से यू से हम पहुँचे एक्स पर, एक्स से टी वन पर, यू से वाई पर, वाई से भी टी वन पर पहुँच सकते हैं, तो दो रास्ते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, फिर डेवर एक्स से हम कहाँ पर पहुँच सकते हैं, डेवर टी वन पर। सर यहाँ पर टी वन पर क्यों किया, क्योंकि टी वन के भी हमें जाने पर मल्टीपल रास्ते हैं, एक यहाँ से भी है। प्लस अब अगला क्या होगा, डेवर यू अपॉन, फिर सोचते हैं डेवर यू अपॉन, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, फिर डेवर यू अपॉन डेवर वाई, फिर वाई से हम जा सकते हैं डेवर वाई अपॉन डेवर टी वन। इसी तरीके से यहाँ से डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर एक्स अपॉन डेवर टी टू, प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई, और डेवर यू अपॉन डेवर वाई अपॉन डेवर टी वन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा ही सारे ही कौन से यूज़ किए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर टी वन और टी टू जो लास्ट में वेरिएबल्स हैं, इन पर पहुँचने के दो रास्ते ही हैं, हर बारी दो रास्ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, हमें क्वेश्चन दे रखा है बुक में, जेड है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स की जो वैल्यू है वो है ई टू द यू कॉस यू, और एंड वाई ई टू द यू साइन वी। तो हमें प्रूफ करना है या शो करना है एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर यू प्लस, एक्चुअली में यहाँ पर वाई है, वाई डेवर एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर वी इज इक्वल्स टू ई टू द टू यू डेवर जेड अपॉन डेवर वाई। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखूं, तो इसमें जैसे ही मेरे को ये देखा, तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लूँगा। ये फंक्शन जैसे ही इस फॉर्मेट में दिखे, तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। तो बेटा अगर मैं ग्राफ देखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफिकल तरीके से देखूँ, तो जेड जो है वो फंक्शन है एक्स वाई के, जेड जो फंक्शन है एक्स वाई के, और एक्स वाई जो फंक्शन है वो किसके हैं, एक्स वाई जो फंक्शन है वो हैं यू और वी के, एक्स वाई जो फंक्शन है वो यू और वी के हैं। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को अगर मैं देखूं, तो मैं यहाँ पर जो आपके कोएफिशिएंट की बात करूं, टोटल कोएफिशिएंट की बात करूं, तो दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डेवर जेड अपॉन डेवर यू, दूसरा हो सकता है डेवर जेड अपॉन डेवर वी, और मेरे को यही दोनों क्वेश्चंस में भी चाहिए। आई होप आप इनके फार्मूले लिख, यही हमें क्वेश्चंस में भी चाहिए, आप आई होप आप इनके फार्मूले भी लिख पाएंगे। इसका अगर मैं फार्मूले पर बात करूं, तो इसका फार्मूला बेटा बनेगा जा करके, देखिए
जेड से यू पर पहुंचना है तो कौन जेड से यू पर पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते से जा सकते हैं। एक तो डेवर जो हम जा सकते हैं जेड पर जा सकते हैं, तो डेवर जेड से हम जा सकते हैं, पहले जाएंगे डेवर एक्स पर, फिर डेवर एक्स से डेवर यू पर, फिर डेवर जेड से जाएंगे डेवर वाई पर, फिर डेवर वाई से जाएंगे डेवर यू पर। वी पर जाने के रास्ते डेवर जेड से जाएंगे पहले डेवर एक्स पर, फिर डेवर एक्स से जाएंगे डेवर वी पर, फिर डेवर जेड से जाएंगे डेवर वाई पर, और डेवर वाई से जाएंगे डेवर वी तक। आई होप इतना अंडरस्टैंड रहा होगा आपको। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस को, इन एक्सप्रेशंस को लेकर के हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, हमें प्रूफ करने में चाहिए इन दोनों का वैल्यू इस टाइम के बराबर। आई होप आप इन सबके क्वेश्चंस में, इन सबके पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके आगे का पार्ट आपको डू इट योर सेल्फ करना है, योर सेल्फ। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आई वॉन्ट वॉन्ट की वीडियो टू बी लॉन्ग। बस आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, जहाँ पर सिंगल वे है वहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाने हैं, और यहाँ पर मल्टीपल वेज है वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आपको इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के रूप में ज़रूर दे दूँगा, आप उन्हें ट्राई करिएगा।